हेलो गाइस, आज हम रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर फॉलो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल, और इसके बाद डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट, और एंड में हम 1 AMU की डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव अटामिक मास द मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू 1 बाई 12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का वो मास जो हम कार्बन 12 के 12 पार्ट से, 1 बाई 12 पार्ट से कंपेयर करके निकालते हैं। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, पहले तो ये समझ लें कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि वो मास जो हम कंपेयर करके निकालते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, हम लोग मार्केट जाते हैं, हम लोग शुगर लेते हैं। सपोज दुकानदार को कहते हैं कि 1 KG शुगर दें आप। अब वो क्या करता है, वो हमारे पास तराजू लेता है और तराजू के एक पलड़े में एक बाट रखता है 1 KG का, और दूसरी साइड से चीनी को कंपेयर करता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो आपको कहता है कि ये 1 KG है। इसको हम रिलेटिव मैस कहते हैं, एब्सोल्यूट मैस नहीं कहते। रिलेटिव मैस का मतलब होता है कंपेयर करना। जैसे उसने शुगर को एक बाट के साथ कंपेयर किया जो कि 1 KG का था। यहां भी ऐसे करना है, हमने एटम के मैस को कार्बन के 1 बाई 12 पार्ट से, यानी 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करना है। मिसाल लेते हैं, हमारे पास देखें, सपोज, ये मिसाल दे रहा हूं मैं आपको कि असल में ऐसा नहीं होता, ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता। सपोज ये कार्बन है, इस कार्बन के मैंने 12 पार्ट कर दिए। अब ये जो 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट, इसको बोलते हैं 1 बाई 12 पार्ट। अब करना क्या है, एक साइड से ये 1 बाई 12 पार्ट ये पार्ट रखना है, और दूसरी साइड से हमने एटम लेना है, और वो एटम कितना भारी है या कितना हल्का है वो उसका क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने ये बताया, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी भी एटम का वो मास जो हम लोग कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके निकालते हैं, उसे हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। सपोज रिलेटिव एटॉमिक मास हम हाइड्रोजन का लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है जी, 1.008 AMU। यहां तक समझ आ गई? फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके निकालते हैं, उसे हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने जैसे मिसाल दी है कि हमारे पास सपोज ये कार्बन है, एक्चुअल मिसाल दी है कि इसके 12 पार्ट हैं। अब ये एक पार्ट है, इसको बोलते हैं 1 बाई 12 पार्ट। अब इस पार्ट के साथ हमने कार्बन को इस पार्ट के साथ बाकी एटम का मास कंपेयर करना है। जैसे यहां एटम हो और दूसरी साइड पे ये 12वां पार्ट हो, इसको कंपेयर करेंगे, एटम कितना भारी है कितना हल्का है वो उसका क्या कहलाता है जी, रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी एग्जांपल, एग्जांपल मैंने बताया हाइड्रोजन की है। इस तरह हम लोग ऑक्सीजन की देख लेते हैं कि हमारे पास 16 होती है, 16 AMU। सोडियम की है 23 AMU। डिफरेंट है हर की। समझ आ गई यहां तक? नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट द यूनिट विच इज यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ जी, मैंने क्या बताया, मैंने कहा वो यूनिट जो रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। अब देखिए, मैं मिसाल देता हूं आपको। जैसे हम लोग किसी भी चीज का वेट लेना हो तो हम उसको KG में रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, इन चीजों में हम मेजर करते हैं, ये उनके यूनिट्स हैं। इसी तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट।
और ये रिप्रेजेंट किया जाता है एएमयू से। जैसे आप देखो एक और भी डिफाइन कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी एटम का मैस हमने निकालना हो, रिलेटिव एटम मैस निकालना हो, तो उसके कार्बन के 1/12 पार्ट्स है यानी 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1/12 पार्ट है इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसी की हेल्प से बाकी एटम का मास निकाल रहे हैं, इसलिए ये कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मैस यूनिट। हाँ जी, समझ आ गई मेरी बात। मैंने कहा अगर इस तरह भी कहो कि हमारे पास ऐसा यूनिट जो रिलेटिव एटॉमिक मैस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मैस का यूनिट यानी एटॉमिक मैस यूनिट कहलाता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 जो है वो भी हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट कहलाता है। समझ आ गई? हाँ जी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 AMU किसके इक्वल होता है। जैसे हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, इसी तरह 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल होगा? 1 AMU 1.661 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब ये कैसे आया, हम इसको ड्राइव करते हैं कि हमारे पास इसको कैसे हम लोग मालूम करते हैं। अब जरा समझिएगा इस बात को, हमने कहा द मैस ऑफ कार्बन 12 किसके इक्वल है जी? 12 AMU। अब देखो ये 12 AMU है, अब हमने फाइंड करना है 1 AMU। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 12 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू मैस ऑफ 12 कार्बन 12 एंड डिवाइडेड बाय 12। अगर ये इस फार्मूले के जरिए हम 1 AMU को फाइंड कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास मैस ऑफ कार्बन 12 क्या होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि मैस ऑफ कार्बन 12 क्या होता है, समझिएगा इस बात को। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैस ऑफ कार्बन 12 ये होता है हमारे पास 12 ग्राम। अब देखो आप लोगों ने ये पढ़ा है ये बराबर होता है 1 मोल के, ये कार्बन के 1 मोल का मैस है, एक एटम का मैस नहीं है। मैंने ये बताया कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी कार्बन का, जैसे कार्बन 12 है, इसका मैस है हमारे पास 12 ग्राम, और हमने ये पढ़ा हुआ है ये 1 मोल के इक्वल है। अब ये 1 मोल का मैस है, एक एटम का मैस नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 × 10⁻²³। इसका मतलब हुआ कि ये इतने पार्टिकल का, ये इतने एटमों का मैस है। मैं यहां लिखता हूं, देखें 1 मोल एटम का मैस है 12 ग्राम। अब 1 मोल कितने के इक्वल होते हैं, 6.022 × 10⁻²³ एटम ऑफ कार्बन 12। हाँ जी, कितने के इक्वल है, 12 के। हमने तो एक एटम फाइंड करना है ना। अब एक एटम का किसके इक्वल आएगा, एक एटम का 12 ÷ 6.022 × 10⁻²³। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 12 ÷ NA, क्योंकि ये एवोगाड्रो पार्टिकल है। अब ये मैस आ गया आपके पास किसका, मैस ऑफ कार्बन 12। अब इसी वैल्यू को आप यहां पे पुट करो, इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट करो। कैसे पुट करेंगे, देखें यहां पे 1 AMU, अब मैं यहां पे पुट करने लगा हूं, डिवाइडेड बाय 12। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 1 ÷ NA, एवोगाड्रो पार्टिकल। अब वैल्यू पुट करो इसकी, 1 6.022 × 10⁻²³। अब क्या करो, हमने इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 10 ÷ 6.022 × 10⁻³
10 रेज पावर 23 मल्टीप्लाई 10। अब देखें इसको फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 24। हाँ जी, अब देखो 10 को डिवाइड करो इसके साथ, इस पावर को ऊपर ले जाओ, इस पावर को ऊपर ले जाओ, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, -24। और जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.661 एंड दैट्स कॉल्ड 1 AMU। और यही 1 AMU होता है जो हम यहां पे लिखते हैं कि हमारे पास 1 AMU किसके को लिखा था, हमने 1 AMU लिखा था कि 6.1661 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -20 ग्राम। और इसी चीज को हमने प्रूव किया है। कैसे प्रूव किया, मैंने रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को। मैंने कहा सबसे पहले हमने ये लिखा द मैस ऑफ कार्बन, कार्बन का मैस कितना है 12 AMU, हमने ये तो 12 AMU है, हमने 1 AMU से करना है, इधर भी 12 से डिवाइड कर दें, इधर भी 12 से, अब ये आंसर आ जाएगा 1 AMU इक्वल। अब हमने यहां पे क्या फाइंड करना है, यहां पे ये फाइंड करना है मैस ऑफ कार्बन क्या है। मैंने कहा मैस ऑफ कार्बन हमें पता है, मैस ऑफ कार्बन 12 ग्राम है, और हमने ये भी कहा है कि ये 1 मोल है, और हमने ये पढ़ा हुआ है 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल या एटम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो 12 ग्राम है ये एक एटम का मैस नहीं है, ये एक एटम का मैस नहीं है, और इसी वजह से हमारे पास ये इतने पार्टिकल का मैस है, इसलिए हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया, क्योंकि हमने तो एक एटम का मैस फाइंड करना था। तो ये आंसर आया हमारे पास, इसी वैल्यू को हमने यहां पुट किया तो आखिर में हमारे पास ये चीज प्रूव हो गई। क्लियर हो गया यहां तक। अब आखिरी पॉइंट इसका ये है कि हम लोग कार्बन को चूज क्यों करते हैं, कार्बन को स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों चूज किया। याद रखें जब हम स्टैंडर्ड को चूज करते हैं उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक ये स्टेबल है, दूसरी करेक्टरिस्टिक अबंडेंस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्बन के 3 एसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। 13 और 14 जो हैं वो बहुत कम मिकदार में है, और ये जो कार्बन 12 है ये 98.9% पाया जाता है, इसी वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया। दूसरी बात, ना ये लेस रिएक्टिव है ना ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। क्लियर हो गया यहां तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।